हैं कि अरविंद केजरीवाल का मनोबल कितना गिरा, कितना वो टूटे, कितना वो झुके? आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? और आपने अपने एक एलजी को भी लगा दिया, उसका ऑफिस भी इसी काम में लगा हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय दिल्ली के लोगों का काम छोड़कर यह देखने में लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितनी प्रताड़ना दी जा रही है, कितनी यातनाएं दी जा रही है। एक आदमी जो लोगों के लिए दवा का, शिक्षा का, पढ़ाई का, अस्पताल का इंतजाम कर रहा था, आज खुद उसको दवा नहीं दी जा रही है। केजरीवाल से कंपटीशन करना है तो काम की राजनीति करिए, बनाइए खूब स्कूल, ढेर सारे अस्पताल बनाइए, बनाइए सड़कें, बनाइए, महंगाई कम कीजिए देश में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कीजिए। आपको चिंता करनी चाहिए युवाओं के रोजगार की, आपको चिंता करनी चाहिए किसानों के आत्महत्या की, आपको चिंता करनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा की, आपको चिंता करनी चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हनुमान जयंती के अवसर पर देशवासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और बजरंग बली जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लंबे समय से, पिछले 23 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, दिल्ली वालों का जो संघर्ष चल रहा था, उस पर बजरंग बली की कृपा हुई और अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन, जो उनके जीवन के रक्षा के लिए जरूरी थी, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे थे, वो उनको मिल गई है, उनको दी गई। आज एक ऐसा सच आपके सामने बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20-22 साल से शुगर का मरीज है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, फरिश्ते स्कीम लाए, पिछले 23 दिनों से उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी तो क्यों नहीं दी जा रही थी? और जब हम बार बार कहते थे कि यह जान से मारने की साजिश है तो हमसे पूछा जाता था कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अब वो बात सामने आ गई। 23 दिन के दिल्ली के लोगों के संघर्ष के बाद अब उनको इंसुलिन दी गई है। न्यायालय ने भी एम्स का पैनल बनाया, डॉक्टरों की टीम बनाई कि उनके हेल्थ की चेकअप के लिए, उनका उनका परीक्षण करने के लिए। अब मैं जो सच आपको बताने जा रहा हूं उसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दिल्ली का तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक यातना गृह बन गया है। दिल्ली का तिहाड़ जेल केजरीवाल जी के लिए यातना गृह बन गया है। और आपको याद होगा, हिटलर भी अपने विरोधियों के लिए यातना गृह बनाता था। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को पीएमओ के और एलजी के निगरानी में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कार्यालय 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए उसका लिंक मंगाकर देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आखिर इतनी निगरानी क्यों है? क्या देख रहे हैं मोदी जी? आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी?
ये देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दवा मिली कि नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को खाना मिला कि नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल कितना पढ़ रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना जग रहे हैं। आप देखना क्या चाहते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपको क्या देखना है? 24 घंटे सीसीटीवी का लिंक आपके ऑफिस को, पीएमओ को क्यों चाहिए? आप ये देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिली कि नहीं मिली, वो कितना बीमार हुए, उनकी किडनी खराब हुई कि नहीं, उनका लीवर खराब हुआ कि नहीं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, इसकी निगरानी कर रहे हैं आप? इसको देखना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मनोबल कितना गिरा, कितना वो टूटे, कितना वो झुके? आप क्या देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? और आपने अपने एक एलजी को भी लगा दिया, उसका ऑफिस भी इसी काम में लगा हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय दिल्ली के लोगों का काम छोड़कर ये देखने में लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को कितनी प्रताड़ना दी जा रही है, कितनी यातनाएं दी जा रही है। वो 24 घंटे सारा काम इसी में लगा रहे हैं, वो भी अपना पूरा ध्यान इसी में लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, उनसे क्या दुश्मनी है मोदी जी आपकी? अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, बिजली फ्री कराई, पानी फ्री कराया, आईआरएस की नौकरी छोड़ी, अरविंद केजरीवाल जिसने 49 दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया, कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, उस अरविंद केजरीवाल के मनोबल को आप गिराना चाहते हैं? आपके इस अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल के बूढ़े मां बाप जो खुद बीमारी की हालत में हैं, ये हालत अपने बेटे की देखकर वो दुखी होते हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती है, दिल्ली के लोग पिछले 23 दिनों से चिंतित हैं, देश के लोग जो उनसे बेहद प्यार करते हैं वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि आखिर अरविंद केजरीवाल को दवा क्यों नहीं दी जा रही है, इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। एक आदमी जो लोगों के लिए दवा का, शिक्षा का, पढ़ाई का, अस्पताल का इंतजाम कर रहा था, आज खुद उसको दवा नहीं दी जा रही है। इस तरह का अत्याचार। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर केजरीवाल से कंपटीशन करना है तो काम की राजनीति करिए, बनाइए खूब स्कूल, ढेर सारे अस्पताल बनाइए, बनाइए सड़कें, बनाइए, महंगाई कम कीजिए देश में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कीजिए। आपको चिंता करनी चाहिए युवाओं के रोजगार की, आपको चिंता करनी चाहिए किसानों के आत्महत्या की, आपको चिंता करनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा की, आपको चिंता करनी चाहिए कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, आपकी चिंता है कि केजरीवाल का मनोबल कैसे गिरेगा, केजरीवाल प्रताड़ित कैसे होगा। 24 घंटे आप सीसीटीवी से उस व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की, ये व्यवहार, ये अन्यायपूर्ण कार्यवाही, ये हिटलर शाही, ये तानाशाही का आचरण, बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए, आपकी भी सत्ता को जाना होगा। आपके इस अत्याचार को पूरा देश देख रहा है। और प्रधानमंत्री जी, जब आप इतना कुछ देख रहे हैं तो यह भी जरूर देखते होंगे कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज। और जितना केजरीवाल जी जेल के अंदर झाड़ू लगाएंगे, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी बाहर साफ होगी, सफाया होगा बीजेपी का, पूरे देश से सफाया होगा। और अब तो ये बौखलाहट भी, आपकी बौखलाहट पहले चरण के चुनाव के बाद भी इसी प्रकार का संकेत दे रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीएमओ
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी ऑफिस और खुद एलजी महोदय सारे नियम कानून को तोड़कर जेल में अरविंद केजरीवाल के सीसीटीवी का फुटेज मंगाकर, लिंक मंगाकर उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और इसलिए बार बार मुझे ये दोहराना पड़ता है कि केजरीवाल के विरुद्ध गहरा षड्यंत्र चल रहा है और उनके साथ कोई भी अनहोनी की घटना कभी भी घटित हो सकती है।